नोएडा के ट्विन टावर को गिरते हुए आप सबने देखा होगा और उसके बाद तमाम लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ट्विन टावर को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कौन शामिल था और उनकी जातियां क्या थी, वो किस जाति से आते थे जिन्होंने ये इतना बड़ा निर्माण 40 मंजिल इमारत को बनने दिया, ट्विन टावर को सुपरटेक की बनने दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जब वो बन रहा था, तो क्या सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उनको दिखाई देना बंद हो गया था, वो भ्रष्टाचार की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि उनकी जातियां क्या हैं। पहले आपने वीडियो देखा होगा, आपने देखा होगा कैसे वो कुछ सेकंड में जमींदोज जाती हैं इमारतें, धुएं का गुब्बार उठता है और उस धुएं के गुब्बार के बाद वो जमींदोज होती इमारत जो है उसको देखने के लिए तमाम लोग निकले हुए थे। उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, दिल्ली से मेरठ से लोग पहुंच गए थे, नोएडा वालों के लिए तो कोई त्यौहार जैसा हो गया था, सब लोग इसको देखकर मजे ले रहे थे और भारत का मीडिया तो पगला ही गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं बिना वक्त गवाए आपको बता दूं कि इस कथित जो घोटाला है, जो इसमें शामिल लोग हैं उनकी जाति क्या है, कौन से लोग थे जिन्होंने जो इस निर्माण में खूब पैसा कमाया और वक्त रहते जब उनकी जिम्मेदारी थी वो पदों पर थे तो इसमें कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। पंकज झा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस बारे में एक लिस्ट जारी की है, उनका कहना है कि ये उस दौरान के अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट उन्होंने जारी की है। पहला नाम है मोइंदर सिंह, मोइंदर सिंह लास्ट नेम पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको जाति समझ में आ जाएगी। सीईओ रहे हैं नोएडा के, उस समय रिटायर्ड हो चुके हैं। एस के द्विवेदी, इनके दौरान भी निर्माण होता रहा, सीईओ हैं नोएडा अथॉरिटी के। ब्राह्मण हैं आर पी अरोड़ा, एसीईओ नोएडा, एसीईओ थे ये उस समय पे नोएडा अथॉरिटी के, नाम पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा यशपाल सिंह, ये ओएसडी रिटायर्ड हैं, आर के अरोड़ा निदेशक हैं, संगीता अरोड़ा हैं निदेशक हैं, अनिल शर्मा हैं निदेशक हैं, ये सब लोग इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स थे, अधिकारी थे, निगरानी करने वाले लोग थे, लेकिन किसी ने भी कोई काम नहीं किया। आप देखें सारे के सारे जन्मजात मेरिटधारी सवर्ण हैं, कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी पसमांदा मुसलमान इस पूरे घोटाले में शामिल नहीं है। सबकी जाति उन लोगों की है जो जन्म के आधार पर अपने आप को ऊंचा मानते हैं, बाकी लोगों को नीचा मानते हैं, जन्मजात मेरिट हैं, दूसरों को आरक्षण का ताना देते हैं, वो कहते हैं कि इनमें मेरिट नहीं होती। सही बात है, ऐसी मेरिट हमें नहीं होती कि जब तक ये 40 मंजिला इमारत बन जाए, जिसकी जो मंजूरी थी वो कुछ मंजिल की थी, लेकिन वो 40 मंजिल तक बनता गया, सबने आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध ली, किसी को देखना बंद हो गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो निगरानी करे कि लीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, बढ़े ना, आगे ना, इसका जो एक तय मंजिला इस पर अनुमति मिली है उससे आगे निर्माण ना हो, लेकिन आप सबने ऐसा नहीं किया। तब आप सब लोग तो पैसा लेके क्या क्या करके क्या कर रहे होंगे, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। देश की जांच एजेंसियों को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। अब तो टावर गिर गया है, लेकिन नोएडा वाले बड़े खुश थे, बहुत एकदम मजे में ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कि पिकनिक पर आए हैं, कोई बहुत बड़ा सा कोई काम हो रहा है, ऐतिहासिक था, भारत में शायद पहली बार इस तरह से 40 मंजिला इमारत को विस्फोटक लगाकर गिरा दिया गया। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये बन रहा था तब आपने क्यों नहीं देखा, अब बन गया था तो इसको 8,000 करोड़ की इमारत थी, इस पर बहुत सारे फ्लैट थे, लोग रह सकते थे, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, इस इमारत को किसी दूसरे मकसद से उनसे ले लिया जाता, लेकिन गिराने की क्या जरूरत थी, ये कहते हुए लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन भारत का मीडिया ऐसा बोराया हुआ है, ऐसा काम कर रहा है कि वो वहां पर तमाम तरीके के एनिमेशन ग्राफिक्स बना के टीवी स्क्रीन पर, कोई जो है ट्रॉली में है, कोई क्रेन पर लटका हुआ है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठा है, कोई ड्रोन लेकर उड़ रहा है, ऐसी नौटंकी हो रही है, ऐसा तमाशा चल रहा है कि देखने वाला मतलब समझेगा कि किसी कॉमेडी शो को देख रहा है, और ये मतलब सुपर जो हीरोज हैं, ये कथित एंकर, ये कैसा ड्रामा तमाशा कर रहे हैं, उसको देख के तो आपकी हंसी निकलना एकदम मतलब लाजमी है, आप एकदम हंस पड़ेंगे उनको देखते हुए। ऐसी हालत भारतीय मीडिया ने बना दी है, लेकिन मेरा ध्यान ज़्यादातर भारतीय मीडिया पर नहीं बल्कि उस पर था जिस पर पहले जिक्र किया, जो अधिकारी, जो निगरानी करने वाले लोग, जो डायरेक्टर्स, जो सीईओ थे, उनकी जो जिम्मेदारी थी कि वो इसमें कथित भ्रष्टाचार को देखते, नजर रखते, उसके बारे में ख्याल रखते, निर्माण को वक्त रहते रोका जाता, जब इंक्रोचमेंट होता है, जब निर्माण होते हैं तब तो अधिकारी घूस ले लेते हैं, कितने सारे फायदे ले लेते हैं, कहां कहां के ट्रिप करते हैं, क्या ये सबको मालूम नहीं है, लेकिन जब शिकंजा कसता है, कोर्ट कचहरी का आदेश आ जाता है, आखिरकार डहाना पड़ जाता है, तब ये लोग जो हैं
मजे ले रहे हैं, इन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी काम होना चाहिए। तब इनकी आंख खुलती है और फिर कथित बुलडोजर लेके चले आते हैं कि निर्माण गिराना है। जब हो रहा होता है तब क्यों नहीं करते? जिन लोगों ने पैसा दिया है, खरीदा है, उनके लिए कितनी मुश्किल का समय रहा, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा ध्यान इन भ्रष्ट अधिकारियों के जाति पर है। सारे के सारे सवर्ण, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी इनमें शामिल नहीं है। जन्मजात मेरिटधारी लोग भ्रष्टाचार करने में ये लोग सबसे आगे निकले कथित इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में, तो इनकी जाति का भी ख्याल रखना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।